तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेट्रोला के ऊपर बात करूंगा। हाल ही में चाइना में मेट्रोला का फ़ोन मेट्रोला एजेस लॉन्च हुआ है, जो कि एक 870 प्रोसेसर चिपसेट पर आया है, जो 865 का प्रोसेसर है। और इसकी बात करें हम मेट्रोला की, तो मेट्रोला काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च करते रहता है, लेकिन इस बार मेट्रोला ने 870 प्रोसेसर पर ये पहला फ़ोन लॉन्च किया है, और जो कि इंडिया में शायद हो सकता है सबसे पहला फ़ोन जो 870 प्रोसेसर पर आया हो। और इसकी बात करें हम कैमरा सेंसर की, तो पीछे की तरफ क्वाड कैमरा और आगे की तरफ दो कैमरा दिया गया है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो उस कैमरे की मेन सेंसर जो है वो 64 मेगापिक्सल है, फिर 12 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया गया है। तो अगर इसकी ओएस की बात की जाए तो ओएस एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है, जो कि एक प्योर एंड्रॉयड एस होता है। और मेटोला का फ़ोन के बारे में आप जानते ही हैं कि यह एक काफ़ी हैंडफुल और बजट रेंज के प्राइसेस में अच्छे फ़ोन लॉन्च करते रहता है। वहीं बात की जाए इसकी बैटरी रेंज की, तो 5000 mAh जो एक बहुत बड़ी बैटरी होती है, विथ 20 वाट फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट आपको इस कैमरे में देखने को मिल रहा है। अगर इसकी बात की जाए स्क्रीन की, तो आपको 6.7 इंच फुल HD स्क्रीन LCD पैनल के साथ मिल रहा है, जो कि HDR10 सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, जिसमें आप नेटफ्लिक्स फुल HD कंटेंट आराम से देख सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो रिफ्रेश रेट की, तो 90Hz डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ ही आपको यह मिल रहा है। उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। अब पता नहीं दोस्तों ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, लेकिन चाइना में अब ये लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो बेस प्राइस रखी गई है वो 1999 युआन, जिसको हम कन्वर्ट करें तो वही 23,000 के आसपास इसका बेस वेरिएंट जो 8GB 128GB मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, अगर इंडिया में ये लॉन्च होता है तो क्या इस प्राइस में लॉन्च होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि यह इस प्राइस में लॉन्च होगा। हो सकता है कि इसका बेस वेरिएंट करीब 28-29,000 के आसपास लॉन्च होगा। तो जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट दूंगा, और इसका स्पेसिफिकेशन मैं स्क्रीन पर थ्रू वीडियो के थ्रू मैं या फोटोग्राफी के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। अगली न्यूज़ आती है दोस्तों, वो है हमारी रियलमी की तरफ से, क्योंकि रियलमी भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है, मोबाइल फ़ोन तो लाती रहती है, लेकिन इस बार रियलमी की तरफ से मुकुल शर्मा ने शायद बताया है कि रियलमी मिड जुलाई 2021 के में एक लैपटॉप भी लॉन्च हो सकता है, तो वो लैपटॉप भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि रियलमी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहता है। जब मोबाइल फ़ोन शाओमी लाया तो उसके टक्कर के लिए, उसके कैटेगरी के लिए, अपने मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसने रियलमी भी ने भी काम शुरू कर दिया। तो इसी तरह रियलमी भी कूद पड़ा है, जैसा कि अदर गैजेट्स बनाते ही रहता है, लेकिन रियलमी इस बार कंप्यूटर रेंज में भी आ चुका है, और वो लैपटॉप लाने का भी कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि कोविड का जो अक्टूबर का सीजन चल रहा था, मिड अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट आई थी कि 9.4% लोग लैपटॉप की ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो इस तरह उनके, अगर बात की जाए तो उनकी जो सेलिंग थी वो लगभग 2.1 मिलियन के आसपास बहुत सारे लैपटॉप बेचे गए थे। तो शायद हो सकता है रियलमी ने भी सोचा कि अगर हम बजट प्राइस रेंज में रखें तो शायद हमारा भी मार्केट में यह गेम चेंजर भी हो सकता है। लैपटॉप की बात की जाए, वही बात की जाए तो एक रिपोर्ट के तहत उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड थी लैपटॉप की वो थी HP की, दूसरे लिनोवो और तीसरा डेल उसमें शामिल था। तो रियलमी हो सकता है तो ऐसे ही बजट रेंज में भी लैपटॉप लाने की कोशिश करेगा। और वहीं बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो वो इंटेल या AMD चिपसेट पर भी आधारित हो सकता है, जैसा कि उन्होंने बताया। आगे फर्दर न्यूज़ जो भी होती है मैं आपको बताता रहूँगा। और अगला न्यूज़ की बात की जाए तो बहुत बढ़िया अपडेट आई है फौजी की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 26 जनवरी के दिन फौजी लॉन्च हुआ था, और लॉन्च होने के साथ ही उसने काफ़ी जो भी प्री रजिस्टर्स लोग थे उन्होंने गेम को डाउनलोड किया और खेला, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो वही मैं कुछ
आपको फौजी के प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा। जैसे अगर प्रोज की बात की जाए तो एक ये 460 MB का ही गेम है, लेकिन काफ़ी अच्छा गेम है, आपको मिड रेंज के फ़ोन में भी ये चल सकता है और ये काफ़ी स्मूथ इसकी ग्राफिक्स है। अगर सेटिंग्स की बात की जाए तो आप अल्ट्रा सेटिंग पर भी इसे आराम से खेल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 460 MB का गेम है, तो ये इसका लोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है, आप इसे तुरंत खेल सकते हैं और आसानी के साथ खेल सकते हैं। वही बात की जाए इसकी गेमिंग की, तो इसमें तीन तरह के मोड हैं। तो इस अभी तक तो दो मोड ऑन नहीं है, एक डेथ मोड और एक बैटल फॉर ऑल, वो अभी शायद बंद है। एक ही मोड है जिसमें आप खेल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें गेम में आपको फीचर्स की खासियत की बात की जाए तो इस गेम में आपको कोई भी विपन देखने के लिए शुरुआत में नहीं मिलेगा। जैसे ही आप गेम खेलोगे तो एक मिशन रहेगा जिसका एक परफेक्ट टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, उस टाइमिंग के अंदर आपको उस मिशन को पूरा करना है। और ये जो गेम है वो गलवान वैली के ऊपर बेस्ड है, जो कि इसका आप बैकग्राउंड में देखेंगे इसका म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है, वो हिंदी में बात होती रहती है और बैकग्राउंड काफ़ी जो आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात की जाए तो वेपन्स तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको उसी सोल्जर्स के साथ फाइट लड़ते लड़ते वहाँ जो भी सोल्जर होंगे उसके वेपन्स को उठाकर फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए वेपन्स अटैक करने के लिए उन पर। और वहीं बात की जाए तो इसका जो ग्राफिक्स है वो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह तो काफ़ी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो भी हो दोस्तों ये हमारा इंडियन गेम है तो हमें इसे ज़रूर देखना, खेल कर देखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर एक वीडियो भी ला रहा हूँ जो फौजी गेम के पूरा गेम प्ले मैं दिखाऊंगा उसमें कि कैसा चल रहा है, क्या क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, कैसे आपको खेलना चाहिए, वो सब भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यह आज का वीडियो इतना ही यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर जो भी लोग आते हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फॉर फर्दर अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।